फ्रेंड्स, ये सटरडे का ब्लॉग है, यानी कि शनिवार मॉर्निंग में मैं ये कोरिएंडर लीव्स ज़्यादा आया था, धनिया पत्ते, हरे धनिए, मैं चटनी के लिए प्रिपेरेशन कर रही हूँ। प्लेन सा चटनी बना के मैं रख लूँगी और थोड़ा पानी पानी बनाई हूँ, क्योंकि मुझे एक रेसिपी भी बनाना है उस चटनी के साथ। ये जो रेसिपी मैं बनाऊँगी ये है फूल गोभी और आलू की फ्राई, यानी कि थोड़ा भाजी वाला बनाऊँगी ये ग्रीन चटनी को यूज़ करके। इसलिए कढ़ाई में मैं एक से दो चम्मच के अंदर तेल लेके, जीरा तड़का देके, एक प्याज मीडियम साइज़ के इस तरह कटिंग करके मैंने डाली हूँ, और थोड़ा सा प्याज को फ्राई होने के लिए यहाँ पे रखी हूँ। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद प्याज में जो आलू और फूलगोभी को यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ, और थोड़ी देर में ढक्कन दे दी थी, क्योंकि गोभी और आलू ज़्यादा था, ढक्कन दे देने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ढक्कन हटा के मैं स्वाद अनुसार नमक हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद थोड़ी देर में इसे चला के फिर से ढक्कन दे दूँगी, क्योंकि नमक ऐड करने के बाद पानी छोड़ता है, आलू और फूलगोभी से पानी निकल आएगा और थोड़ा भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ढक्कन दे के फिर से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम में मैं इस भाजी को बना रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर से ढक्कन हटा के इस तरह चला ली है, और मैं यहाँ पे प्याज फ्राई करी हूँ, और मसाला में MDH का करी पाउडर जो आता है, मैं मसाला आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ क्योंकि MDH का है, मैं MDH का ही यूज़ करती हूँ। एक बड़ा चम्मच के आसपास ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से फिर से भून रही हूँ गोभी और आलू के साथ, और चेक किया कि 90% तक मसाला के साथ आलू और गोभी पक चुका है। मैं और 10% जो है थोड़ा पानी दे के ढक्कन दे दी एक मिनट तक, और फिर से चला ली। अभी सब्जी हमारा जो गोभी आलू गल चुका है। इसी टाइम में जो हरे धनिए की चटनी बनाई थी उसको ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप जितना फ्लेवर चाहेंगे ऐड करेंगे, मैं 5 बड़े चम्मच तक ऐड की हूँ, और ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, हरे धनिए के पत्ते हम डालते हैं बाद में इस चटनी को ऐड करने से, टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, एक अलग सा फ्लेवर आता है, बच्चों को भी पसंद आता है, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। इस तरह कभी आप ये गोभी और आलू को भी फ्राई करके देखिए, और कई वेजिटेबल के साथ भी आप इस हरे धनिए की चटनी को मिला के भी बना सकते हैं, टेस्टी लगेगा। मेरा इस तरह आज ये फ्राई हो चुका है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, और टेस्टी भी लगता है। आप ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी। चटनी तो हर घर में बनता है, चटनी को थोड़ा इस तरह बना लेने से अच्छा लगेगा। और उसके बाद में मॉर्निंग में ये लंच के साथ मैं रेसिपी बनाई थी, उसके बाद हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद, ये टाइम है 10:30 या 11 बजा होगा, तेज़ धूप आया था, इसीलिए मैं कपड़ा जो मशीन में डाल के स्पिन कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा धूप में देना ज़रूरी है, तेज़ धूप था तो आंगन में इस तरह मैं स्टैंड में डाल रही हूँ अच्छे से, और जहाँ जहाँ धूप है मैं वहाँ पे कपड़े को रख के और काम में बिजी रहूँगी। जो इस तरह मैं लटका के रखी थी कपड़ा, उसको भी मैं लेके आ रही हूँ घर में, जो सूख गया है ज़्यादा, तेज़ धूप में नहीं रखूँगी इसीलिए ले आ रही हूँ। जो हस्बैंड ऑफिस जाने के टाइम में प्लेन राइस, दाल और ये भाजी बनाई थी, चटनी तो
मिला के बनाई। उसके बाद बच्चे बोले कि थोड़ा तला हुआ चीज़ खाएंगे, ये जो ब्रिंजल था बैंगन ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। ये देखिए मैं ये आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, बीच बीच में भी कीड़ा निकल रहा था, इसीलिए मैं देख देख के कटिंग करके ये हल्दी पानी में डाल रही हूँ, क्योंकि बैंगन भी जब हम कटिंग करते हैं कालापन आ जाता है, और जो हल्दी पानी में हम डाल के ये रखेंगे तो जो कीड़ा वगैरह जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी निकल आते हैं, इसलिए मैं चेक करके कटिंग कर रही हूँ। दो तीन अच्छा निकला और ज़्यादा कीड़ा वाला निकला। मैं देख के इस तरह कटिंग करके इसको फ्राई करूँगी, बेसन के साथ पकौड़ा की तरह बनाऊँगी, इसलिए इस तरह मैंने लंबे लंबे कटिंग कर रही हूँ। कई बार मैं सर्कल शेप में राउंड राउंड करके कटिंग करके भी पकौड़ा बनाती हूँ, आज इस तरह बनाई हूँ। और ज़्यादा हल्दी पानी में इस तरह डुबा के मैं रखूँगी और उसके बाद मैं निचोड़ लूँगी छन्नी के ऊपर, क्योंकि जब पकौड़ा बनाएंगे ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, इस तरह मैं छन्नी के ऊपर पानी, ये जो पानी हल्दी पानी है मैं नहीं फेंकूँगी। जो गार्डन में हमारा पौधा लगा है गमला, गमले में दे दूँगी। इसी टाइम जब मैं गार्डन को निकली देखी तो धूप था, मैं कपड़े को अंदर ले आया स्टैंड को, और ये जो हल्दी पानी को गमले में इस तरह देख के फिर से आके मेरा काम में लग गई। इस तरह आज ब्लॉग में मेरा काम आप लोगों को दिखाई हूँ, डायरेक्ट आप लोगों को बात नहीं की हूँ। ब्लॉग में मेरा वॉइस ओवर में ये ब्लॉग जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को आप एंजॉय करते रहिए। दो रेसिपी में आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह जो बेसन मैंने ले ली है, जितना ज़रूरत है बैंगन को देख के मैं बेसन ली हूँ, और प्याज एक, लहसुन 7-8 कली, दो हरी मिर्च को चप्पर में पूरा मैं ज़्यादा टुकड़ा टुकड़ा कर ली हूँ, और ऐड करके स्वाद अनुसार नमक, जो बेसिक सा पकौड़ा के लिए बनता है कलर के लिए, थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये सब मिला के मैं एक बैटर बना लूँगी। जो घोल बनता है पकौड़ा के लिए मैं ये बैटर बना रही हूँ। देख देख के पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी मिला लेने से पतला हो जाएगा, पकौड़ा बनाने में हमको मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला के इस तरह मैं बैटर बना ली है। जिस तरह हम जो बैंगन लंबे लंबे में कटिंग की है, ये जो बैटर में मिला के हम तल सकेंगे अच्छे से, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला रही हूँ। आप लोग कैसे बैंगन को पकौड़ा बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस तरह बैंगन को आज ये जो था मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, इसीलिए पकौड़ा बना रही हूँ। इस तरह जब आप प्याज ऐसे ही मैं तलूँगी, देखिए आप चम्मच से भी इस तरह कढ़ाई में ले सकते हैं, मैं लोहे की कढ़ाई में तल रही हूँ। मुझे लोहे की कढ़ाई में इस तरह फ्राई करने से, डीप फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी ये लोहे की कढ़ाई को साफ़ करने के टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बीच बीच में उसको खट्टे दही या नींबू से भी साफ़ करती हूँ। और ये जो पकौड़ा हर घर में बनता है आप लोग जानते हैं, उलट पुलट करके जब फ्राई हो जाएगा मीडियम फ्लेम में, मैं इस तरह देखिए दोनों साइड जब अच्छी तरह से तल जाएगा या पक जाएगा अंदर तक, मैं निकाल लूँगी। इस तरह आज बैंगन का पकौड़ा मैं बनाई हूँ। और ये ब्लॉग मेरा आज जो काम मैं की हूँ उसको ही दिखाई हूँ, सोचा आप लोगों को ज़रूर पसंद भी आएगा, क्योंकि आज ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात नहीं की हूँ। जहाँ जितना जितना मैं रेसिपी आज शेयर की और जो काम थोड़ा बहुत की हूँ उसको भी दिखाई हूँ। कभी कभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है विंटर में ज़्यादा सुबह उठ के ये सब काम करना, और शूटिंग के जब हम काम करते हैं उसके साइड में शूट करते हैं
तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो जितना क्लिप्स मैं ले सकी इस ब्लॉग के लिए आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह पकौड़ा को मैं तल रही हूँ। जो पकौड़ा पहले डाली थी वो पहले हो गया, उसको निकाल दी हूँ। इस तरह सेम प्रोसेस में मैं पकौड़ा लंबे लंबे कटिंग में रखी थी जो बैगन को, पकौड़ा तल के रख चुकी हूँ। उसको प्लेटिंग कर लूँगी हरे धनिए की जो चटनी बनाई थी। आज ये ब्लॉग मेरा इतना रेसिपी ज़्यादा दिखाई हूँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कैसा ब्लॉग पसंद आता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लेटिंग में आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, लंच में साइड डिश के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं आज लंच में बच्चों को ये सर्व करने जा रही हूँ। इसी के साथ ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।